हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेट की जो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों, सेट के हम दो मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सेट का जो है दोस्तों, ये हमारा सेट 2024 का तीसरा मॉडल पेपर होने वाला है दोस्तों। कौन सा मॉडल पेपर रहेगा? ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर रहेगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। यहाँ पर हम राजस्थान जीके, इंडिया की जियोग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि बिल्कुल आपके सेट के एग्जाम पर आधारित है, ठीक है। दोस्तों आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उनका रास्ता सेट एग्ज़ाम से होकर ही जाता है, ठीक है। सेट एग्ज़ाम का सिलेबस जो कि बहुत बड़ा है, अगर आपने इसको कवर कर लिया, इसको अच्छे से कर लिया आपने, तो आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उसमें आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो सेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है, एक महीना आपके पास बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल देखिए, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? वागड़, मेवाड़, सेकावटी, अलवर भरतपुर। तो बम रसिया जो है दोस्तों, ये आपका अलवर भरतपुर का लोकप्रिय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बम रसिया जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ में लिया जाता है? तो इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र यूज़ में लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें जो कि ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राव जयसिरो छंद के रचयिता है? बिट्टू सूजा, चंद्र बरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मूनोट नैन्सी। राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन है? बिट्टू सूजा हो जाएंगे, ठीक है। राव जयसिरो छंद में दोस्तों रातिघाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है, रातिघाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1534 में हुआ था। किस किसके मध्य हुआ था? राव जयसी और बाबर के पुत्र कामरान के मध्य हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें बीकानेर का जो लूणकरण है दोस्तों, बीकानेर के लूणकरण को कलयुग का कर्ण भी बिट्टू सूजा के द्वारा ही कहा गया है राव जयसिरो छंद में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? सेकंड ए, सेकंड बी, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। तो दोस्तों कृषि जलवायु खंड को 10 भागों में बांटा गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सी हो जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों डिस्कन फेंक, बाला फेंक, ऊंची कूद, शूटिंग। तो अवनी लेखरा का संबंध जो है दोस्तों जयपुर से है और ये शूटिंग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी पैरा ओलंपिक जो हो रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर भी अवनी लेखरा के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला जिले सही सुमेलित नहीं है? बस्सी चित्तौड़, बंद बारेटा अलवर, टोड़गढ़ रावली पाली अजमेर और राजसमंद फुलवारी किनाल उदयपुर। तो दोस्तों बस्सी चित्तौड़ सही दिया गया है, टोड़गढ़ रावली पाली अजमेर राजसमंद ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, फुलवारी किनाल उदयपुर ये भी सही दिया गया है। बंद बारेटा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? बंद बारेटा आपका भरतपुर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये कुकुंद नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, एक तरफ आपकी झील और बांध दिए गए हैं, एक तरफ जिला दिया गया है। तालाब एसआई आपकी किससे संबंधित है दोस्तों? धौलपुर से संबंधित है, ठीक है। गेप सागर आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? डूंगरपुर से संबंधित है। कड़ाना आपका बांसवाड़ा से संबंधित है, ठीक है। और हेमावास आपका पाली बांध, हेमावास बांध जो है ये आपका पाली से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? बर्बरी बकरी, चनोतर भेड़, लोही भैंस, कांकरेज गोवंश। तो दोस्तों कांकरेज गोवंश बिल्कुल सही दिया गया है, चनोतर भेड़ की नस्ल होती है ये भी सही है, लोही भैंस की ये गलत दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बर्बरी बकरी की नस्ल होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है? 16 दिसंबर 2019, 16 अगस्त 2018, 16 अगस्त 2017, 26 जनवरी 2019। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये लगभग 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर 2019, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, ये किसका नारा है? परंपरागत कृषि विकास योजना का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, कृषि वानिकी पर उपमिशन का। तो दोस्तों ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड का नारा है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी, कहाँ से? सूरतगढ़ से शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है कोटा और बारा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो डामोर जनजाति आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मेवाड़ क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से। तो दोस्तों रतवाई जो है ये आपका मेवात क्षेत्र से संबंधित है, अलवर भरतपुर, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा रणबाजा जो है दोस्तों, ये भी आपका मेव जाति के द्वारा किया जाता है, ये भी मेवात क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, कौन से लोक देवता को ऊँटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, फाबू जी, देवनारायण जी। तो दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में
फाबू जी को पूजा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म कोलुमंड जोधपुर में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा फाबू जी की फड़का वाचन दोस्तों रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, उनियारा शैली, कोटा शैली। तो दोस्तों नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण जो है ये कोटा शैली की विशेषता है, ठीक है, और कोटा शैली का जो स्वर्ण काल रहा है दोस्तों वो उमेश सिंह का काल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है, तिमणिया, अमला, मांदलिया, कांठला। तिमणिया जो है दोस्तों ये गले में पहना जाता है, कांठला भी गले में पहना जाता है, मांदलिया गले में पहना जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक है, यहाँ पर पुस्तक दी गई है, यहाँ पर लेखक दिए गए हैं, ठीक है। अमरकोश किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो ये अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। काव्य मीमांसा जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। व्रत कथा जो है दोस्तों ये आपकी गुणाडे के द्वारा लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्वप्न वासवदतम जो है ये आपकी भास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी, आनंद कुमार स्वामी, जयसिंह नीरज, वाचस्पति गेरोला, राय कृष्णदास। तो दोस्तों राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में जो पुस्तक लिखी थी, तो ये 1916 भी आपको ध्यान रखना है, ये आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाल किसे कहते हैं, भीलों की बस्ती को, मीणा की बस्ती को, सहरियाओं की बस्ती को, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को। तो पाल जो है दोस्तों ये भीलों की बस्ती को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, माही नदी का किनारा कहलाता है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है दोस्तों, छप्पन, थली, देवल, काठल। माही नदी का जो किनारा है दोस्तों उसे काठल के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, काठल के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माही नदी का उद्गम दोस्तों एमपी से होता है और ये कर्क रेखा को दो बार कट करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी जो है ये आपकी मकर रेखा को दो बार कट करती है, ये आपको ध्यान रखना है, किसको, मकर रेखा को, ठीक है। और एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है कांगो या जायरे नदी, कौन सी नदी है, कांगो या जायरे, ठीक है। कांगो या जायरे नदी जो है दोस्तों ये भूमध्य रेखा को दो बार कट करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों, मेवल जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कांठल कौन से क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों, तो कांठल जो है ये आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है दोस्तों उसे कांठल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, श्री बलदेव पशु मेला करौली, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा दोस्तों। बलदेव पशु मेला आपका कहाँ पर भरता है, तो ये मेड़ता नागौर में भरता है, कहाँ पर भरता है, मेड़ता नागौर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़, बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ाबाड़ में, ये भी सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विंध्य कगार भूमि का हिस्सा है, किसका हिस्सा है दोस्तों, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली श्रृंखला का, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का, माही बेसिन का। तो ये किसका हो जाएगी दोस्तों, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का हिस्सा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिसंबर 2022, यहाँ पर 2022 कर लीजिए दोस्तों, दिसंबर 2022 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है। तो दोस्तों दिसंबर 2022 की अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आप क्या आंसर करेंगे, 23,487 मेगावाट, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा, 23,487 मेगावाट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पाशुपत नामक सेव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो पाशुपत नामक सेव संप्रदाय के प्रवर्तक ईशान, शंकराचार्य, माधवाचार्य, लकुलीश, तो ये लकुलीश हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, राव रायसिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिल, चिंतामणि भट्ट, बिट्टू सुजा। तो दोस्तों बिट्टू सुजा के द्वारा तो राव लूणकरण जो है उसको कलयुग का कर्ण कहा गया है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था, सावर्स, मॉरिसन, मेसन, बटन। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉरिसन, ठीक है। भरतपुर रियासत का पीए मॉरिसन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे उदयपुर का पूछा जाए दोस्तों या मेवाड़ का पूछा जाए तो मेजर सावर्स हो जाएगा, कोटा का पूछा जाए तो बटन हो जाएगा, और अगर आपसे दोस्तों जयपुर का पूछ लिया जाए तो ईडन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे सिरोही का पूछ लिया जाए तो सिरोही का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जेडी होल हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध 84 कंबों की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी, कोटा, जयपुर, रणथंभौर। 84 कंबों की छतरी जो है दोस्तों आपकी ये बूंदी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और 80 कंबों की छतरी कहाँ पर है, 80 कंबों की छतरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, अलवर में हो जाएगी, जो कि विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। 84 कंबों की छतरी किसके द्वारा बनवाई गई दोस्तों, 84 कंबों की छतरी आपकी अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनवाई गई है, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
मांड प्राचीन नाम था। मांड किसका प्राचीन नाम था? प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, बूंदी का या करौली का? तो दोस्तों मांड जो है ये जैसलमेर का प्राचीन नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 3 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च, 30 मार्च। राजस्थान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? राजस्थान की स्थापना दोस्तों 30 मार्च 1949 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी दिन 30 मार्च को ही राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर वरत राजस्थान की बात की जा रही है दोस्तों, वरत राजस्थान संघ की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? 25, 30, 35, 40। तो दोस्तों जिला आयोजना समिति जो होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसमें 25 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखने, ठीक है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? छठवां संभाग अजमेर को कब बनाया गया था दोस्तों? 1987, 1977, 1991, 1982। तो दोस्तों अजमेर राजस्थान का छठा संभाग 1987 में बना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? कांता खतूरिया, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, गिरिजा व्यास। तो दोस्तों अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा राज्य महिला आयोग के? राज्य महिला आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसकी स्थापना मई 1999 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 मई 1999 को हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कांता खतूरिया, तारा भंडारी और लाड कुमारी जैन जो है दोस्तों ये अध्यक्ष पद पर रहे हैं, यहाँ पर गिरिजा व्यास जो है ये अध्यक्ष पद पर नहीं रही, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आयुक्त नगर निगम, CEO जिला परिषद, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति क्या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है? तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में की जाती है दोस्तों? तो 165 में की जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 165 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है, महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। तो यह कथन सही है दोस्तों, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यह कथन भी सही है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह कथन भी सही है। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो विधानसभा के अंतर्गत दोस्तों ST की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की। तो कितने पद आरक्षित है इनके लिए दोस्तों? 25, ठीक है। और अगर SC का पूछा जाए दोस्तों, अनुसूचित जाति का, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 34 हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, रत्नचंद अग्रवाल। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन दोस्तों रत्नचंद अग्रवाल के द्वारा किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी सर्वप्रथम खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी और सबसे पहले उत्खनन का कार्य रत्नचंद अग्रवाल के द्वारा किया गया है, ठीक है। आहड़ सभ्यता को दोस्तों आगाटपुर ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगाजी, फाबूजी, रामदेव जी, तेजाजी। तो दोस्तों गोगाजी की थान जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाई जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो खेजड़ी वृक्ष का संबंध किससे है? गोगाजी से है। अगला सवाल देखिए, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? फाबूजी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, तेजाजी। तिलवाड़ा पशु मेला दोस्तों मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थारपारकर नस्ल की गाय राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों में मिलती है? बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर एवं सिरोही, अजमेर एवं भीलवाड़ा। तो दोस्तों थारपारकर नस्ल की गाय जो है ये आपकी बाड़मेर और जैसलमेर यानी पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतर भाग निम्नांकित में से किस स्रोत से सिंचित होता है? नहर, तालाब, कुआं, नलकूप। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलकूप हो जाएगा, ठीक है, लगभग 41%। अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो दोस्तों जयनारायण व्यास लिफ्ट से कौन से जिले लाभान्वित है? जोधपुर बीकानेर, बीकानेर नागौर, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर एवं जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? जोधपुर एवं जैसलमेर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो राजस्थान राज्य में कौन सा बांध स्थित नहीं है जो कि चंबल नदी पर स्थित है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाहर सागर। तो दोस्तों गांधी सागर बांध जो है ये आपका ये मंदसौर MP में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी दोस्तों? तो इसकी आधारशिला जो है दोस्तों ये 1900
1953-54 में रखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके द्वारा रखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। और 1960 में दोस्तों यहाँ से बिजली उत्पादन शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71B, 79A, 11C और 3। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर NH-71B हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, गुड़ा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? वो है सीसा एवं जस्ता, तांबा, मैग्नीज, लोएस्क। तो चौथ का बरवाड़ा और गुड़ा किशोरी दास जो है ये सीसा और जस्ता के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है, वोलेस्टोनाइट, तांबड़ा, ग्रेनाइट, संगमरमर, फेलस्पार जिप्सम, सीसा, जस्ता और जेस्पार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहर पीर के नाम से दोस्तों हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, देवनारायण जी। जहर पीर के नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? गोगा जी को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ददरेवा चूरू में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने महमूद गजनबी को हराया था। इसके अलावा देवनारायण जी की फड़ का वाचन दोस्तों जंतरवाद यंत्र के साथ किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी माता, लटियाल माता, सचिया माता, सुगाली माता। तो दोस्तों भरोड़ अलवर से संबंधित है जिलानी माता, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनका एक वर्ष में दो बार मेला लगता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला, टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पोएट्री। तो ये टेराकोटा के लिए फेमस है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, बेंगू और बूंदी। तो दोस्तों रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किसान आंदोलन का संबंध जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है, तो ट्रेंच कमीशन जो है इसका संबंध भी जो है ये बेंगू किसान आंदोलन से है। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखेंगे, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी मंडन, गोविंद, पूजा, नापा। तो ये आपका मंडन हो जाएगा, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों लगभग 1448 ईस्वी के आसपास किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा भीम सिंह, कर्णी सिंह, गंगा सिंह, राज सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर दोस्तों गंगा सिंह जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गंग नहर का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1927 में। अगला सवाल देखिए, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, कमलावती, राणा उदय सिंह। गोरा और बादल के द्वारा दोस्तों 1301 ईस्वी में रानी पद्मिनी की रक्षा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? तो पत्रिका केसरी की शुरुआत लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नेहरू जी, बिपिन चंद्रपाल। तो दोस्तों केसरी नामक समाचार पत्र जो है ये मराठी भाषा का है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ एक आपका मराठा नामक समाचार पत्र जो है दोस्तों, इन दोनों का संबंध जो है ये आपका बाल गंगाधर तिलक से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1915 में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रगान और दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है बांग्ला, वो भी यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भूदान योजना भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भूदान योजना भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ये हम देख लेते हैं कौन थे। महात्मा गांधी, बाबा आमटे, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, भूदान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, काकोरी षड्यंत्र, मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो है ये तो आपका 1917 का हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब किया गया था? तो ये 1942 के आसपास किया गया, ठीक है। काकोरी षड्यंत्र आपका 1925 का हो जाएगा, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों ये 1931 में प्रयागराज में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रम से जमाएंगे तो सबसे पहले आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, तो 4, 2, फिर आपका 1 आ जाएगा और फिर आपका 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें।
यहाँ पर कथन दिए गए हैं। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। यह कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। 1914-18 के महान युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। तो दोस्तों ये फ्रांसीसियों ने नहीं लगाया था, ये ब्रिटेन के द्वारा लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। किसके द्वारा लगाया गया था? ब्रिटेन के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही पूछा गया है दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक दोस्तों 1897 में विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, इन्होंने अमेरिका में शिकागो का जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग कब लिया था? तो वो 1893 में लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जनक विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राममोहन राय? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजा राममोहन राय के द्वारा दोस्तों 1915 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। कौन सी सभा की दोस्तों? आत्मीय सभा की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1928 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगला सवाल देखिए, 1916 के लखनऊ समझौता पैक्ट की का महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या थी? कांग्रेस प्रांतीय परिषद के चुनावों में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए सहमत नहीं था। इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। इसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच दूरी और अधिक बढ़ा दी थी, इसके कारण बंगाल का विभाजन हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा कथन जो है ये सही है, इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों पुनर्मिलन को उल्लेखित किया, ठीक है। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और 1916 में दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य ये समझौता हुआ था, जिसे पैक्ट समझौता कहा गया है, लखनऊ समझौता कहा गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, श्रद्धांजलि दिवस, विरोध दिवस? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है? बेंगलुरु, नादेड़, वारंगन, कोडीकनाल? तो दोस्तों कोडीकनाल जो है ये तो आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। बेंगलुरु आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक में हो जाएगा। और नादेड़ जो है ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नादेड़ आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वतश्रेणी स्थित है? शिवालिक पर्वतश्रेणी, अजंता पर्वतश्रेणी, विंध्याचल पर्वतश्रेणी या सतपुड़ा पर्वतश्रेणी? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला आती है दोस्तों? ये विंध्याचल आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी नदी आती है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और पहाड़ी आती है, इसे हम क्या कहते हैं? सतपुड़ा पर्वतश्रेणी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी ताप्ती नदी आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में कौन सी नदी स्थित है? तो नर्मदा आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में, तो सतपुड़ा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? खासी पहाड़िया, गारो पहाड़िया, जयंतिया पहाड़िया, पलामू पहाड़िया? तो दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया जो है ये मेघालय के पठार का भाग है, पलामू पहाड़िया जो है ये मेघालय के पठार का भाग नहीं है। अगला सवाल देखिए, झेलम नदी की एक सहायक नदी है सुरु, पोहरू, सिगर, सवा? तो दोस्तों पोहरू जो है ये झेलम नदी की सहायक नदी है, और झेलम नदी जो है दोस्तों ये पाकिस्तान और भारत के समानांतर चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो वेरीनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग की पहाड़ियों से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित स्थानों में से अपतटीय ऑफशोर पेट्रोलियम भंडार कहाँ है? कोची हाई, मद्रास हाई, गोवा हाई, मुंबई हाई? तो ये मुंबई हाई हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ, नासिक, लखनऊ, मथुरा? तो गोदावरी नदी के तट पर आपका कौन सा शहर हो जाएगा दोस्तों? तो ये नासिक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे बद्रीनाथ पूछा जाए दोस्तों, तो बद्रीनाथ जो है ये आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मथुरा पूछा जाए दोस्तों, तो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए,
भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, बिहार, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध जो है यह आपका, तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिनराम स्थित है? तो मासिनराम जो है दोस्तों गारो, खासी और जयंतिया में, खासी में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर गारो है, यहाँ पर खासी है, यहाँ पर जयंतिया है, तो ये मासिनराम यहाँ पर स्थित है। ठीक है, खासी पर। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कौन सी नदी यहाँ पर पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सतलज, रावी, गंगा, झेलम। सतलज, रावी, झेलम जो है वो यहाँ से होकर गुजरती है, गंगा यहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? डिग्गी बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, सिक्का बंदरगाह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डिग्गी बंदरगाह स्थित नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलकर, सरदार पटेल। संविधान सभा का सदस्य दोस्तों राजेंद्र प्रसाद भी थे, जीवी मावलकर भी थे, सरदार पटेल भी थे, महात्मा गांधी नहीं थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है, बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध जो लगाता है वो कौन सा लगाता है? तो वो आपका यहाँ पर अनुच्छेद 24 लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है? भारत के लोग, राष्ट्रपति, सरकार, उच्चतम न्यायालय। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या हो जाएगा? तो ये भारत के लोग हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निदेशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार का उल्लेख जो है दोस्तों वो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। नीति निदेशक तत्व जो है आपके ये भाग 4 में दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मूल कर्तव्य आपके 51A हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 4K में दिए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 86। तो क्षमा करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को वो अनुच्छेद 72 के तहत है दोस्तों, और राज्यपाल को पूछा जाए दोस्तों तो 161 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, गुलजारीलाल नंदा, चरण सिंह। तो 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो उस समय गुलजारीलाल नंदा बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, केरल की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये कितनी है, तो ये 20 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? अपीली, सलाहकारी, मौलिक, विशेष। तो ये मौलिक अधिकार के क्षेत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दो राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में वो मौलिक अधिकार के क्षेत्र में आता है। अगला सवाल है, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? उपचुनाव, परिषद चुनाव, त्रिचुनाव, सूक्ष्म चुनाव। तो जब रिक्ति हो जाती है दोस्तों तो उसे भरने के लिए उपचुनाव करवाए जाते हैं, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, सरकारी कंपनियाँ, राज्य सरकार। तो दोस्तों ये किसका नहीं करते हैं, तो ये स्थानीय निकाय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, सरकारी कंपनियों की करते हैं, बट स्थानीय निकाय की नहीं करते हैं। अगला सवाल देखिए, साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर हमारे शुरू हो चुके हैं। समतल दर्पण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन आपस में बराबर होते हैं? आपतन कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो दोस्तों समतल दर्पण की स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है? 273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों 0 डिग्री केल्विन जो है ये आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ऊर्जा पिरामिड होता है? तो दोस्तों ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदैव ऊपर की ओर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं भौतिक और सामाजिक घटक, जैविक अजैविक घटक, रासायनिक भौतिक घटक, जैविक प्रतिजैविक घटक। तो पारिस्थितिकी के निर्माण में जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1999, 2000, 2003, 2001। तो विशेष जलवायु परिवर्तन निधि 2001 में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2Cl, NaCl2, NaCl, KMnO4। तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक का रासायनिक सूत्र NaCl हो जाएगा, ठीक है। दाहिने आलिंद से रक्त प्राप्त करता है, इसे फेफड़ों में पंप करता है, जहां यह ऑक्सीजन से युक्त होता है। दाया नील्य, बाया नील्य, हृदय कपाट, बाया आलिंद। तो यहां पर आपका राइट आंसर दाया नील्य हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आँख के नेत्रपटल, रेटिना, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है? आयरन, आयोडीन, जिंक जस्ता, सोडियम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जिंक जस्ता, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के कारण हैं? पेचिस, चेचक, मलेरिया, हर्पिस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी मलेरिया के कारण है, ठीक है। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? विकास का चरण, स्थिरता के चरण, कमी का चरण, विघटन के चरण। तो दोस्तों टेक ऑफ का मतलब होता है विकास का चरण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है दोस्तों ये 1991 के आसपास हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, SLR का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, SLR का विस्तारित रूप क्या है? तो SLR का विस्तारित रूप स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, सर्किटरी, मानव मस्तिष्क, रासायनिक संग्रहण यंत्र। तो दोस्तों वेट वेयर जो होता है ये मानव मस्तिष्क होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार दोस्तों डगलस एंजल बर्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पंच टेप। तो यहाँ पर दोस्तों सभी विकल्प सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS के संबंध में सही है? यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है, यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। BIOS का असंक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है? वर्ड प्रोसेसर, शेयरवेयर, स्प्रेडशीट, विंडो। तो इसे विंडो कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।